अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। आपने करीब करीब हर रोज ही ये बात सुनी होगी कि हाथी के दांत दिखाने के कोई और होते हैं, खाने के कोई और। मतलब जब आप किसी ऐसे आदमी से मिलते हैं जो दिखने में तो शरीफ होता है लेकिन होता वाकई में वो एक बदमाश और धोखा देने वाला, तो आप कहते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के कोई और, खाने के कोई और। अब इसी को लीजिए, ये जो केस मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें एक आदमी गन लेके किसी को लूटने के लिए निकलता है। ए, रुक। कौन है तू? अपना बटवा निकाल, गाड़ी की चाबी दे। नहीं दूंगा। मगर सबसे बड़ी चौंका देने वाली बात यह है कि उस आदमी के दो दो चेहरे थे। जी, दो दो चेहरे, अलग नहीं, एक साथ, एक साथ दो दो चेहरे। और जब हमने उसके चेहरे को हाथ लगा के देखा, आजकल गुंडे भी मेकअप करने लगे, अब ये भी होने लगा है। हमारी भी आंखें फटी की फटी रह गई और मैं तो शॉक के मारे बेहोश हो गया जब पता चला ये जो आदमी लूटने के लिए निकला है वो एक करोड़पति है। जी, करोड़पति। आप भी देखिए, मगर जरा संभाल के बेहोश मत होइएगा। साहिल प्लीज मुझे डराओ मत, मैं पहले से ही फिल्म देख के डरी हुई हूँ। क्या, आधी फिल्म देख के ही डर गई? तुम भी ना, फिल्म बीच में छुड़वा के मुझे भी बाहर ले आई यार। अरे तो क्या मैंने बोला था हॉरर फिल्म की टिकट्स लाने के लिए? हॉरर? ऐसी हॉरर फिल्म देख के ना मुझे बड़ी हंसी आती है। मैंने पता है क्या सोचा था? मैंने सोचा था फ्लॉप फिल्म होगी, खाली हॉल होगा, हम रोमांस करेंगे। रोमांस? वेरी फनी। ऐसी डरावनी फिल्म में रोमांस? मुझे तो अभी भी डर लग रहा है। हाँ प्रीति, वैसे अंदर से मैं भी बहुत डर गया था। वो तो मन से डर निकालने के लिए मैं ऐसी आवाजें बना रहा था। सच? हाँ। यू किल यू। रुको साहिल, स्टॉप। साहिल, आई सेड स्टॉप। रुक। कौन है तू? अपना बटवा निकाल, गाड़ी की चाबी दे। नहीं दूंगा, भाग जा यहां से वरना पुलिस को बुला लूंगा। लड़की की जान की परवाह नहीं तुझे? ठोक दूं इसे। मार मार मार, मैं देखता हूं कैसे मारता है तू इसे। और मैं तेरी इन बातों से डरने वाला नहीं हूं। नहीं डरेगा, नहीं डरेगा। नहीं। चुप। निकाल अपना पर्स। नहीं दूंगा। नहीं देगा, नहीं देगा, तोले मर। हो गया? पता, किसने किया ये सब? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब कुछ कैसे हुआ मुझे नहीं मालूम। अरे ये तो मर चुका है। हा? तुम लोगों ने मार दिया इसको। नहीं, हमने नहीं मारा इसे, वो इसके पास गन भी है, ये हमें मारने आया था। अरे पर इसको किसने मारा है? पता नहीं। यहाँ पार्किंग लॉट में अभी 3 घंटे पहले एक चौंका देने वाली घटना घटी है। साहिल नाम का एक युवक और उसकी एक फ्रेंड को एक गुंडे ने लूटने की कोशिश की, लेकिन गुंडा गोली चला पाता, उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। सीआईडी तहकीकात कर रही है। यहाँ पर और कोई नहीं था? नहीं सर, यही दोनों थे। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने नहीं मारा इसे,
मैंने तो गोली की आवाज सुनी सर, ये खुद ही मर गया सर। तो फिर किसने मारा इसे? सर सही है, देखिए ये गोलियां पीठ पे लगी है, तो इसका मतलब है ये लड़का सही कह रहा है, इसने गोली नहीं मारी है। इसका मतलब कोई और भी होगा यहाँ पे। गोली पीठ पे लगी है तो इधर से आई होगी। हाँ दया, सही आइए। ये देखिए सर, गोली का शेल है सर। शेल? इसका मतलब है दया यहां पर कोई था, गोली यहीं से चली है। सर अजीब बात यह है, गोली ये गुंडा चलाने वाला था और वो खुद ही मारा गया। अजीब बात तो ये भी है दया कि कोई दूसरा आदमी इस गुंडे का पीछा कर रहा था। सर हो सकता है उस गुंडे को जानता हो। सर और भी कोई गोली मिली है? हाँ मिली है। गोली मिली है सर? हाँ भाई बाद में बताता हूँ। सर सर कोई और सुराग भी मिला है क्या? बाद में बताता हूँ प्लीज। हाँ विजय सर ये आदमी आदमी नहीं है। अरे मुझे तो आदमी दिख रहा है। सॉरी सर, कहने का मतलब ये जो दिख रहा है वो ये है नहीं, ये देखिए ये कोई और ही आदमी है। क्या अच्छा मेकअप कर रखा है। आजकल गुंडे भी मेकअप करने लगे, अब ये भी होने लगा है। कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी इसे इतना मेकअप करने में। वो तो ठीक है सारंगे, मगर ये बताओ क्या कोई खुद अपना इस तरह से मेकअप कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता। देखा, आसान नहीं है इतना मेकअप करना। इसके लिए तो स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। कोई मेकअप करने वाला आदमी ये काम कर सकता है। अगर हमें उस मेकअप मैन का पता चल जाए जिसने ये मेकअप किया है, तो हमें इसका भी पता चल सकता है। बॉस, इसने मेकअप वाकई बहुत अच्छा किया है। अरे सर मेरी वाइफ भी इतना अच्छा मेकअप नहीं करती सर। अरे ये तो सर ये चेहरा कुछ जाना पहचाना है। अरे ये तो वही है, मेरे ख्याल से शायद इसका नाम करण है, पेपर में इसके बारे में छपता रहता है। या करण? कौन है ये करण? सर ये एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट पिस्टल लेकर लोगों को लूटने निकला था? लूटने? जमाना बहुत उल्टा पुल्टा हो गया ऐसे भी साहब। इंडस्ट्रियलिस्ट मेकअप करके लोगों को लूट रहे हैं और चोर उचक के बेचारे समाज सेवा कर रहे हैं। मगर इसे ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि ये किसी को लूटने पे मजबूर हो गया? दे इसकी कोई फैक्ट्री वैक्ट्री बंद तो नहीं हो गई? नहीं ऐसा सुनने में तो नहीं आया। नहीं दया ये कुछ और ही मामला है, ये कोई लूटने वूटने का चक्कर नहीं है। हम इसके घर चलते हैं, इसके घर वालों से बात करते हैं। सड़के इसके बॉडी में से वो गोली निकालो, पता तो चले किसके पिस्टल से चली आई वो गोली। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने खुद ही अपने आप को गोली मार ली? ऐसी भी साहब, आप भी कभी कभी ऐसा जोक मारते ना कि मन करता है इंसान एक महीने तक हंसता ही रहे। आपको कभी कभी ये फ्रेडरिक की बीमारी लग जाती है। इसमें हंसने की क्या बात है? आप बताइए ऐसी भी साहब, कोई आदमी खुद को अपनी पीठ में गोली कैसे मार सकता है? सालुंखे एक बात मत भूलो, यहां एक गोली चली है, कुछ भी हो सकता है, समझे? याद है एक बार तुम फंसे थे? मैं कब? एक गोली चली थी, गोली अंदर जाकर बाहर ही नहीं आई थी, मगर लाश के अंदर गोली मिली ही नहीं। क्यों, कहां गई थी गोली? हाँ कहां गई थी? आवाज बंद, हंसी गायब, सिट्टी पिट्टी गुम। विवेक, वहां पार्किंग में जितने भी गार्ड्स थे उन सबको ब्यूरो में बुलाओ। अभिजीत दया, हम इस करण के घर चलते हैं। इतने पैसे तो ले चुकी हूँ तुम करण से, अब और क्या चाहिए तुम्हें? जो मेरा है वो तो मैं लेकर ही रहूंगी, और वैसे भी डिवोर्स हो गया तो क्या हुआ, पहली वाइफ को भी तो बहुत कुछ मिलता है ना? लेकिन जब अब डिवोर्स हो चुका है तो क्यों बार बार यहाँ चली आती हो? प्लीज प्लीज हमें चैन से रहने दो।
अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। और वैसे भी जब तक मुझे 2 करोड़ रुपए और प्लॉट नहीं मिल जाता, मैं तुम दोनों को चैन से नहीं जीने दूंगी। हाँ, प्लॉट? अगर वो प्लॉट तुम्हें दे दिया तो मेरा क्या होगा? और वैसे भी करण अब मेरी मर्जी के बगैर तो कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि अब वो मेरा हस्बैंड है। अलिस्टर? तुम्हारा हस्बैंड? कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा कि वो कैसा हस्बैंड है। वैसे भी उसने मेरी जिंदगी लूट ली है, मैं तुम दोनों का जीना हराम कर दूंगी। प्लीज प्लीज ऐसा मत कहो, और प्लीज प्लीज हमें अकेला छोड़ दो। नहीं, मैं तुम दोनों को अकेला नहीं छोड़ सकती, बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। आप लोग कौन है, क्या चाहिए आपको? जी, मैं ACP प्रद्युमन, CID से। आप मिसेस करण हैं? जी, मैं ही मिसेस करण हूँ। लेकिन CID का मेरे घर में क्या काम? देखिए, आपके लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर? क्या? मिस्टर करण का खून हो गया है। क्या? करण का खून? करण? देखिए, बड़ी अजीब बात हुई है कि एक मॉल के पार्किंग लॉट में करण किसी को लूटने के लिए गए थे। लूटने गए थे? जी, और उन्होंने गुंडे का मेकअप किया हुआ था, तो वहाँ पे उन्हें किसी ने गोली मार दी। लेकिन ये कैसे हो सकता है सर? सर, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तो एक बिजनेस डिनर पे गए थे सर। अच्छा, क्या मिस्टर करण की किसी के साथ दुश्मनी? सर, बिजनेस के कारण उनके बहुत से दुश्मन थे, लेकिन धमकी? सर, कृतिका। हाँ, वो कृतिका सर। ये कृतिका कौन है? कृतिका उनकी की पहली वाइफ थी सर, वो जो भी गई ना सर, वो ही है कृतिका सर। बहुत झगड़े होते थे सर उनके, फिर उनका डिवोर्स हो गया, लेकिन वो अब तक मेरे पति के पीछे पड़ी हुई है सर। जब साहिल और करण के बीच में झगड़ा हुआ, तब तुम सबकी ड्यूटी वहीं पार्किंग लॉट में थी? जी सर, और देखते देखते गोली चली, वो गुंडा वहीं ढेर हो गया। वो गुंडा नहीं था, वो एक बिजनेसमैन था, और जो गोली चली है वो उसके गन में से नहीं चली, किसी दूसरे ने गोली चलाई थी। अच्छा, तुम लोग ड्यूटी पर थे, तो तुम में से किसी ने कोई अजीब बात नोट की? कोई आदमी जो वहां से हड़बड़ी में भागा हो, या फिर कोई कार जो पार्किंग लॉट में पहले से खड़ी हो, कुछ भी? सर, गोली चलने की आवाज सुनते ही मैं पार्किंग की तरफ भागा था, एक आदमी वहां से निकलते हुए मेरे कंधे से टकराया, लेकिन रुका नहीं सर। कौन था? तुम्हें कुछ याद है वो कैसे दिखता था? नहीं नहीं सर, मैं देखा नहीं, मैं जल्दी में था और मेरे साइड से भागा था, उसने मेरे कंधे पर यहाँ धक्का दिया और चला गया। बस इतना ही देख पाया था सर कि उसकी एक आंख खराब थी। एक आंख वाला शूटर? ठीक है, कोई बात, तुम्हें जो कुछ भी याद है हमारे CID के स्केच आर्टिस्ट को बताना। ठीक है, थैंक्स, आप लोग जा सकते हो, मगर हाँ, जरूरत पड़े तो फिर से बुला लेंगे। फ्रेडी ने बात छोड़ लो, थैंक यू सर। सर, देखिए, स्केच कुछ ठीक से नहीं बना है, प्रोफाइल है। हाँ, मगर ढूंढना तो पड़ेगा ही दया, अगर ये कोई प्रोफेशनल किलर है और उसने करण को मारने के लिए पैसे लिए हो तो। लेकिन सर, अगर कोई करण को मारना चाहता था, उसे कैसे पता चला कि वो गुंडा करण था? उसके मुंह पे तो मेकअप लगा हुआ था।
इसका मतलब है कोई तो है जो जानता था कि करण गुंडे का मेकअप करके वहां मॉल में आने वाला है। मतलब करण को फंसाने वाला उसका कोई जान पहचान वाला है। एग्जैक्टली और हमें यह पता लगाना है कि यह है कौन जो जानता था कि करण वहां मेकअप करके मॉल में आने वाला है और वो जिसे करण की मौत से फायदा है। सिक्योरिटी को कितनी बार मना किया है कि फोन किए बिना किसी को अंदर नहीं आने देना। फोन किया था वॉचमैन ने आपको, शायद आपका फोन बंद था। फोन बंद आ रहा है? खैर, आप लोग कौन हैं? मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, ये एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से। हमें करण के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करनी है। करण का नाम तो सुना ही होगा आपने। करण क्या दोबारा शादी करने वाला है वो? खैर आइए, अंदर आइए। देखिए, जो कुछ पूछना है जल्दी पूछिए, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम तो हमारे पास भी नहीं है मैडम, कल रात करण का खून हुआ है। खून किसने किया? आप ही बताइए किसने किया है खून। मेरा तो करण से कोई लेना देना नहीं है। कल रात आप कहाँ थी? मैं तो होलो थिएटर पिक्चर देखने गई थी। पकड़ी गई? सर, जिस पार्किंग लॉट में करण का खून हुआ था वो उस होलो थिएटर से सटा हुआ है। तो जहां पे आपके पति का खून हुआ वहीं पे उसी टाइम पे आप भी फिल्म देख रही थी हैं? फिल्म देख रही थी और कुछ कर रही थी किसे मालूम, मगर करण वहां गुंडे का मेकअप करके आया था। और करण जैसा बिजनेसमैन मेकअप करके वहां क्यों आएगा? करण कॉलेज में अक्सर डराने के लिए ऐसा मजाक किया करता था। कॉलेज में भी किया करता था? अब क्या कॉलेज में करण के साथ पढ़ती थी? मैं उसकी जूनियर थी, लेकिन हाँ उसकी एक गर्लफ्रेंड थी कॉलेज में, क्या नाम था उसका? हाँ, तानिया। तानिया? ये तानिया इस वक्त कहाँ है? शायद शादी करके अमेरिका चली गई है। वाह, एक नाम बताया तानिया और वो कहाँ है? अमेरिका में। तो मैं क्या हवा से पूछूं? इन्हीं को सर, करण की पहली वाइफ को, जो वहीं पास में ही फिल्म देख रही थी। ये एक आंख वाला शूटर है, इसने किसी को गोली मारी है। साहब, मेरे जान खतरे में क्यों डाल रहे हो साहब? ज्यादा नखरा मत कर मदन, तू जो खबर देता है उसके पैसे मिलते हैं ना तुझे? हाँ बता, कौन है ये एक आंख वाला शूटर? साहब तीन तीन है। तीन तीन? हाँ साहब तीन तीन, एक शाका, दूसरा पिलातिया और तीसरा पंटू निशाना। प्रिंसिपल साहब, आपके कॉलेज के 1995 के बैच में एक लड़का पढ़ता था, उसका नाम है करण। बाय द वे, मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से और यह है सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत जी। 1995 करण, 1995 करण। हाँ, कहीं आप उस करण के बारे में तो नहीं पूछ रहे जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है? भाई हमारे कॉलेज की शान है वो। कॉलेज की शान? जी हाँ, हमारे कॉलेज का नाम रोशन किया उसने। I'm sorry प्रिंसिपल साहब, लेकिन कल रात उसका खून हो गया। क्या? हमारे करण का खून हो गया? जी। कैसे? किसी ने गोली मार दी उसे। जिस वक्त करण का खून हुआ उस वक्त उसने गुंडे का मेकअप किया था, वो किसी को लूटने गया था। क्या कह रहे हैं आप? लाखों रुपए का डोनेशन दिया इस कॉलेज को करण ने, वो क्यों किसी को लूटेगा? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? इसी बात का पता लगाने की हम भी कोशिश कर रहे हैं कि एक पैसे वाला आदमी किसी को लूटेगा क्यों। भाई अभी एक महीना पहले तो मिला था मुझसे। एक महीना पहले? हाँ, वो कॉलेज के पुराने स्टूडेंट की पार्टी थी, उसी में मिला था वो। इतना सीधा साधा हसमुख, वो किसी को लूटेगा ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। अगर वो आपको एक महीना पहले मिला था तो फिर आप उसके दोस्तों के बारे में भी जानते होंगे? जी हाँ, वो उसका एक ग्रुप था 3-4 दोस्तों का, और वो सब लोग उस दिन पार्टी में भी आए थे। और शायद वो लोग करण के बारे में कुछ बता दें। उनके दोस्तों का एड्रेस मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। अरे क्या मेरी जानी लोगी क्या? चिल्लाओ और चिल्लाओ। नर्स, थोड़ी देर में एक इंजेक्शन और दे देना। अरे नहीं, एक और क्यों, एक ही काफी है। दारू पी के फिर से घर आओगे? हाँ? आओगे?
नहीं आऊंगा। अरे माफ कर दे मुझे। लाटिया। क्या बात है? लाटिया से बात करनी है। क्यों? गिरफ्तार करना है, एक खून हो गया है। ये क्या खून करेगा, ये तो यहाँ पड़ा है, चार पांच दिन हो गए। ऐसे ही दिखने वाले एक आदमी ने खून किया है, हमें इससे कुछ पूछताछ करनी है। मैंने इसे मार मार कर सुधार दिया है, अब ये कोई गलत काम नहीं करता। जब से जेल से आया है इसने कुछ नहीं किया। तूने ये पंटू निशाना का नाम सुना है? नहीं नहीं, उसका नाम मत लो। क्यों? वो आया था इसको मिलने के लिए, मैंने भगा दिया उसको। क्यों आया था? नहीं बोलेंगी तो इसे उठा के ले जाएंगे हम लोग, समझी? बोल दे। वो बोल रहा था कोई काम करने का है, पैसे दे रहा था इसको। मतलब किसी का खून करने के लिए बोल रहा था? हाँ, ये पंटू कहाँ रहता मालूम है तुम्हें? मालूम है। अरे अब कौन आ गया परेशान करने के लिए, नहीं खोलूंगा। कोई पैसा वसूली करने वाला तो नहीं आ गया यार? अरे पहले इतनी टेंशन है, चैन से पीने भी नहीं देते हैं। आ रहा हूं। क्या? तुम लोग क्या चाहिए, क्या चाहिए? पहले खड़े तो हो जाओ, लेटे लेटे कैसे बात करोगे? क्या चलो चल। क्या है? पहला सवाल, तुमने करण का खून क्यों किया? कौन करण? कौन करण? कुछ याद है? पार्किंग लॉट में जिस पे तुमने गोली चलाई थी वो करण? वो करण कर रहा। हाँ, क्यों मारा उसे? बोल। फ्रेडी, ये आदमी कुछ बोल क्यों नहीं रहा? बोलेगा सर, जरूर बोलेगा। उसको मारने के लिए मुझे पैसे मिले थे। अरे वाह, तेरा कैटरिंग का बिजनेस है क्या? ऑर्डर मिली और पनीर पालक बना दिया। किसने दिए थे पैसे? मालूम नहीं सर, यहाँ पे एक पैकेट है। सुन गया। बताओ पंटू, किसने दिए ये पैसे तुम्हें? मालूम नहीं साहब, कौन ये पैसा मेरे घर में रख के चला गया। काश हमारी भी किस्मत ऐसे होती कि कोई इस तरह से हमें भी पैसे देकर चली जाए। ये क्या बात कर रहे हो सर, आप और पैसे? हाँ हाँ, क्यों नहीं फ्रेडरिक्स, हम भी तो इंसान हैं। चलो हमें नहीं, काश तुम्हारी किस्मत ऐसे होती कि कोई तुम्हें 2 लाख रुपए देकर चले जाए जैसे पंटू को दिए, और फिर इसे पता भी नहीं चला, है ना? पता भी नहीं चला कौन जबरदस्ती मेरे घर में पैसे लेके चला गया। जबरदस्ती कौन देकर चला गया? दया, जरा पंटू को याद दिला। क्यों पंटू? सर आप तकलीफ क्यों कर रहे हैं? आप वही अच्छे लग रहे हैं, आप वहीं जाइए ना, आपने पहले ही मेरी सारी हड्डियां तोड़ दी हैं। मैं बता रहा हूँ एसीपी साहब। तो फिर बताओ, बताओ। ये पैकेट एक आदमी देकर गया था। कौन था वो आदमी? ये पता नहीं। दया, इन साहब को क्यों तकलीफ दे रहे हो साहब? आप यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम है कौन था। तुमने उसे देखा नहीं था? सब मैंने नहीं देखा, एक बच्चे को भिजवाया था उसने एक लेटर लेकर, और उस पे सब लिखा हुआ था। क्या लिखा था लेटर में? उस पे लिखा था कि एक आदमी आएगा पार्किंग में खून करने के इरादे से, वो जैसे ही पिस्तौल निकालेगा उसके मारने से पहले मुझे उसे गोली मार देनी है बस। फिर मैं गया वहां पे, वो आदमी आया भी पार्किंग में, उसने पिस्तौल भी निकाली साहब, लेकिन वो गोली नहीं चला रहा था। मुझे देर हो रही थी तो मैंने उसको मार दिया, मैं वहां से भाग गया बस। सर इसका मतलब वो काम करण से किसी ने करवाया है? कोई जानता था कि करण ऐसा करने वाला है, इसीलिए उसने करण को वहां बुलवा लिया और पंटू को कहा कि करण को गोली मार दे।
कौन हो सकता है ये आदमी? चल बंटो, उठ। अब क्या हुआ बता दो ना वो सब कुछ। उठ। और मारेंगे क्या? नहीं कुछ नहीं करूंगा, उठ। अभी के लिए तेरा काम खत्म हो गया, अब और मैं तुझसे बाद में पूछूंगा, ठीक है? चल फ्रेडी ले जाओ इसे। चलो किसी को करण से इतनी नफरत थी कि इतने पैसे खर्च किए और इतनी आसानी से मार दिया। सर हाँ ये देखिए इस चैनल पे कुछ है, किसी कंपनी का लोगो है सर। हाँ ये कंपनी का लोगो ही लगता है, मगर उस आदमी ने पैसे देने के लिए कंपनी का एनवलप क्यों लिया? सर शायद इस आदमी का उस कंपनी से कोई मतलब है सर। हो सकता है, देख इंटरनेट से पता कर सकते हो ये किस कंपनी का लोगो है। सर शायद पता चल जाए, और नहीं भी पता चला सर तो भी मैं कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। That's like a good officer दया। देखा विवेक, इसे कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे जमीन में से खोदकर निकालना हो या फिर आसमान में जाकर भगवान से पूछना हो, तुम्हें जवाब लेकर आना ही चाहिए। सर मैंने कभी ना नहीं बोला है। तुम आगे कभी ना बोलोगे इसलिए अभी सुनवा रहा हूं, समझे? खाली हाथ कभी नहीं लौटना सीआईडी ब्यूरो में। दया सर पता करो ये पैसे किसने भेजे, और विवेक करण के सारे दोस्तों को ब्यूरो में लेकर आओ, इन्हीं में से किसी ने किया ये मजाक। नहीं चाहिए क्रेडिट कार्ड, बोला ना आपको। क्रेडिट कार्ड नहीं है बाबा, जरा देख तो लो। अरे नहीं देखने का बाबा। देखिए हम लोग सीआईडी से, समझे? अब तंग मत करो और हेल्प कीजिए, ये देखो। अच्छा सीआईडी से, एक काम करो आई कार्ड दिखाओ, आई कार्ड। अच्छा ये देखो। ये क्या क्या है ये? सॉरी एक मिनट, ये रहा। ठीक है, तीन तीन क्रेडिट कार्ड देके गया वो लोग मेरे को, 70,000 रुपए का फटका लगा। किसी ने मेरी क्रेडिट कार्ड से 70,000 रुपए का किसी ने सामान खरीद लिया। एक मिनट आप बाद में रो लेना, पहले काम करो हमारा। पर मेरा नुकसान हुआ उसका कुछ भी नहीं। जरा देखो ये हॉलमार्क किसका है? हॉलमार्क चोरी हो गया ना, एक काम करो कंप्लेंट फॉर्म लो उसको भरो और 5 नंबर केबिन में जाके भर दो। ये हॉलमार्क किसका है, किस कंपनी का है, इसका एड्रेस चाहिए, समझे आप? अब किसका है, किसका है यही पूछ रहे हैं हम लोग, किसका है ये? अच्छा 70,000 रुपए का मेरा नुकसान हो गया। हेलो हाँ सुबह यार, क्या 50,000 रुपए का? अरे तेरी कंपनी को आग लगा दूंगा मैं, तेरे सारे क्रेडिट कार्ड जलाकर राख कर दूंगा मैं, समझ गया? किसी ने मेरे क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपए का सामान खरीद लिया। और हमारा हॉलमार्क ये किसका है? ये रेम्बो टेक्सटाइल। अब खुश? रेम्बो टेक्सटाइल हाँ। थैंक यू भाई, वेलकम वेलकम। और सुनो जेब में पैसा नहीं होगा चलेगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड कभी नहीं लेने का, कभी नहीं लेने का, समझ गए? तुम सब लोग करण के साथ कॉलेज में 1995 के बैच में थे है ना? हाँ सर, लेकिन ये अचानक करण की बात कहाँ से निकल आई? आप लोगों ने हमें यहाँ पे ढूंढ के निकाला, कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया ना? करण किसी को गोली मारने वाला था, मगर किसी और ने ही करण को गोली मार दी। क्या? यही नहीं, उसने नकली चेहरा लगाया था अपना असली चेहरा छुपाने के लिए, मेकअप किया था उसने। नकली चेहरा? हाँ नकली चेहरा। सर अभी कुछ ही दिन पहले हम कॉलेज के पुराने दोस्तों की पार्टी हुई थी, बहुत सालों के बाद ये पार्टी हुई, करण भी था उस पार्टी में, लेकिन उस दिन तो करण एकदम ठीक ठाक लग रहा था। अच्छा एक बात बताओ, हमने सुना है कि करण जब कॉलेज में था तब उसे नाटक करने की आदत थी। सर वो करता तो था, लेकिन उस बात को कितना अरसा हो गया सर, अब वो भला क्यों ऐसा करेगा? और उसकी आदत, ये नाटक करने की आदत उसके सिर्फ दोस्त यारों को मालूम थी, और उसके दोस्त यार सिर्फ तुम ही लोग थे। और सर अचानक 13 साल बाद ये मजाक करने का आइडिया उसके दिमाग में कहां से आया होगा, यही बात समझ में नहीं आ रही है सर। तो प्रेडिक्स, किसी ने उसे बहकाया, फसाया उसे, वरना करण वहां मेकअप करके क्यों जाता? सर सर कॉलेज के फाइनल ईयर में भी उसने ऐसे ही मजाक किया था, सेम टू सेम। सेम टू सेम
यस सर। क्या क्या किया था उसने? सब तान्या करण की गर्लफ्रेंड थी, वो उसे इम्प्रेस करना चाहता था तो उसने ये ड्रामा किया था। करण और तान्या थिएटर से बाहर निकल रहे थे, करण ने अपने एक दोस्त से उसे डरवाया फिर उसे बचाने का ड्रामा किया था। बाद में तान्या उसकी गर्लफ्रेंड बन गई थी। एक मिनट, मैं कुछ समझा नहीं, जरा ठीक से समझाओ मुझे। मतलब पहले डराया और फिर बचाया, मतलब वहां पर दो लोग थे है ना? जी मैं बताता हूँ, तान्या और करण फिल्म देख के बाहर निकले। करण ने अपने एक दोस्त को गुंडा बनाया था तान्या को इंप्रेस करने के लिए। तान्या? मेरे ख्याल से ये तान्या आजकल अमेरिका में है ना? यस सर। तो इसका मतलब है किसी दोस्त ने करण को फंसाया, उसने करण को कहा कि फिर से नाटक कर, और करण ने मान लिया, मगर करण को यह मालूम नहीं था कि उसका ही खून होने वाला है। कौन है वो दोस्त जिसने करण से नाटक करवाया? कौन हो सकता है? आदय, क्या मिला? टेक्सटाइल में? अच्छा ठीक है, मैं अभी वहां आता हूं। सर आप लोग थोड़ी देर बाद आइए प्लीज। क्या हो गया, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही? ठीक कैसे लगेगी सर, मेरा बॉयफ्रेंड जो छोड़कर चला गया। कोई नहीं, जो गैस हो गया। तीसरा बॉयफ्रेंड था, चौथी बार छोड़कर चला गया, अब नहीं आएगा। हॉलमार्क के बारे में बात करो। अब मेरा क्या होगा? घबराइए मत, मैं हूं ना, मैं सब। एक मिनट। सो जा, होने के लिए तो अभिजीत और मैं भी हूं, चाहिए तो उस लड़की के बॉयफ्रेंड को बाद में ढूंढ के निकालेंगे, लेकिन फिलहाल काम की बात करो। यस सर, मैं फाइल ले आऊंगा। फाइल की बात नहीं कर रहा हूं। हम यहाँ इस कंपनी के मालिक से मिलना चाहते हैं, यहाँ कोई सीईओ है? फिर आप मेरी हेल्प करेंगे ना? डेफिनेटली करेंगे, हम तो यहाँ मदद करने के लिए आए हैं। सर मैडम थोड़ा बिजी है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आपकी बॉस एक लेडी है? आपकी कंपनी की बॉस एक लेडी है? हाँ। नाम क्या है उनका? तानिया मैडम। तानिया? तानिया? तानिया तो करण की गर्लफ्रेंड का नाम है। सर मगर वो तो अमेरिका में है, यहाँ पे। सॉरी टू डिस्टर्ब यू मैम, आपसे कुछ लोग मिलने के लिए आए हैं। जी मैम। सर आप लोग कहाँ से आए हैं? सीआईडी से। मैडम ये लोग सीआईडी से आए हैं। जी मैडम। सर मैडम आ रही है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कहीं तानिया वही तानिया तो नहीं? सर ये कृतिका करण की पहली वाइफ है और ये करण की पुरानी गर्लफ्रेंड है, और दोनों ही करण से नफरत करते हैं। कहीं इन दोनों ने ही पहले देखें तो सही है कौन, शायद अमेरिका से वापस आ गई हो। आप मुझसे मिलने आए हैं?
कहिए, क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? तानिया जी, अमेरिका में हवा कैसी है? मुंबई में जरा ठंड है ना? यूएसए का मौसम? ये आप क्या बात कर रहे हैं? आप किसी करण नाम के आदमी को जानती हैं? करण? जी करण। हाँ हाँ, एक करण को मैं जरूर जानती हूँ, जब मैं कॉलेज में थी। और कृतिका का नाम सुना? शायद ये तो उसकी वाइफ का नाम था। बस हम इसी करण की बात कर रहे हैं। लेकिन सर, अचानक उसका जिक्र यहाँ पर क्यों? करण को किसी ने गोली मार दी है। क्या, गोली मार दी गई है? जी हाँ, किसी ने एक आदमी को पैसे दिए और कहा कि जाके करण को गोली मार दे। बहुत बुरा हुआ सर, लेकिन आप सब यहाँ पर क्यों? जिस एनवलोप में उस आदमी को पैसे दिए गए थे, वो एनवलोप आपकी कंपनी का है। मेरी कंपनी का? इसका मतलब है जिसने भी करण को मारने का प्लान बनाया था, वो या तो आपकी कंपनी में काम करता है या फिर इस कंपनी का मालिक है। क्या बात कर रहे हैं सर? सर, मैं करण का खून क्यों करवाऊंगी? सर प्लीज सर। तो फिर बताइए, आपकी कंपनी का स्टैंप किस किस आदमी के पास होता है? ये रबर स्टैंप चार लोगों के पास होता है सर। कौन है ये चार लोग? वो तो नाम मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन एसीपी साहब, ऐसे भी हो सकता है कि एनवलप हम लोगों ने बाहर भेजा हो और जिसको एनवलप मिला उसने उसका यूज किया हो। हाँ हो सकता है, लेकिन मुझे अभी, समझे, अभी इसी वक्त वो चार नाम चाहिए। उसमें अगर तानिया मैडम का नाम हो तब भी। मेरे पास वक्त बहुत कम है। सर, एक तो है प्रकाश सीनियर अकाउंट मैनेजर, दूसरे कबीर सीनियर प्रोडक्शन मैनेजर, तीसरा बेटोनिया और चौथी लीना। लेकिन लीना तो कंपनी छोड़ के जा चुकी है। लीना कंपनी छोड़ के जा चुकी? इसका एड्रेस है आपके पास? अरे, मैं तो बंद करके गई थी, ये दरवाजा किसने खोला? किचन में कोई है क्या? कौन हो सकता है? कौन है किचन में? कौन है वहां पर? कॉफी। आप? सोचा आप थक गई होगी दिमाग चलाते चलाते, इसलिए थोड़ी कॉफी बना दी। लीजिए। अच्छी बनी है। लगता है हमारा आना आपको अच्छा नहीं लगा, है? आप लोग मेरी परमिशन के बगैर मेरे घर में क्या कर रहे हैं? अरे अरे अरे, ये तो बुरा मान गई। हमें तो लगा था कि आपको खुशी होगी हमें देखकर, मिस लीना। I'm sorry, मिस प्रीति। अब लीना या प्रीति क्या फर्क पड़ता है? क्यों? अरे, आप तो कुछ बोल ही नहीं रही है, हाँ? मूड खराब है? फिल्म देखने नहीं जा रही आज? किसी के साथ फिल्म देखो, वहां करण जैसे कोई बेचारा आएगा लूटने के लिए, उसे गोली मरवा दो, हाँ? मैंने 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 कुछ नहीं किया। क्या बात है सर, ये तो बिना पूछे ही बताने लगी, अपने आप ही बोलने लगी आप तो, हैं? कहाँ है तुम्हारा बॉयफ्रेंड साहिल? साहिल? टाइम नहीं है मेरे पास, कहाँ है साहिल? वो साहिल, तुमने यहाँ नहीं आना चाहिए था, करण का केस अब तक बंद नहीं हुआ है। अरे तो क्या करता मैं? तुम ना तो मेरा फोन उठा रही हो और ना मुझे फोन कर रही हो। अरे वो सीआईडी वाले कुत्ते की तरह सूंघ रहे सब जगह, हमारी बातें सुन लेंगे फोन पे। क्या, सीआईडी को हम पर शक हो गया है? हाँ? शक नहीं, मतलब सीआईडी वाले हैं ना वो। फंस गया ना मैं बिना बात के। हाँ? तो ये सब पहले सोचना चाहिए था। अरे पहले सोचने का टाइम किसके पास था? मैं तो आपके प्यार में पड़ गया था ना। अब क्या करें? एक काम करो, अभी चलो यहाँ से भागो, जब सब कुछ ठंडा हो जाएगा ना फिर आ जाएंगे। आ जाओ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, इतनी मुश्किल से सब मिला है, अब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से सब छोड़ के भागो। सॉरी नेत्रा जी, आपके लिए एक और बुरी खबर है, आपका ड्रामा खत्म।
वैसे एक्टिंग अच्छी की आप दोनों ने। वाकई बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हो तुम लोग, मगर क्या करें, हम जब भी आते कोई बुरी खबर लेकर आते हैं, है ना, अब मजबूरी है। प्रीति? हाँ प्रीति, मुंह खोल दिया इसने अपना। सर सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर, सर सारा प्लान इसका था, साहिल का था सर। सर सर, मैंने इसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी सर। सर सर, इसने मुझे फंसाया सर। सर इसने मुझे भी फंसाया, मैं क्या करती, मुझे अपने फ्लैट के इंस्टॉलमेंट के लिए पैसे चाहिए थे, पता नहीं अब क्या होगा। सर सर, दोनों ने धोखा दिया सर, ये दोनों झूठ बोल रही हैं सर। नहीं, एक को फ्लैट के लिए पैसा चाहिए सर और दूसरे को प्लॉट चाहिए सर। सर ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, इन पर भरोसा मत कीजिए सर। सर अब इनको पकड़ लीजिए सर। हम मर्द लोग तो सर बिना बात के फंस जाते हैं सर, आप तो समझ सकते हैं सर, आप तो मर्द हैं, आप पकड़ लीजिए सर, इनकी बात का भरोसा मत कीजिए सर। सर ये पैसों के लिए सर किसी को भी फंसा सकती है सर। सर आप इनसे बात कीजिए सर, मुझे जाने दीजिए सर। ठीक है जाइए। मैं और नेत्रा एक दूसरे से प्यार करते थे सर। ये प्यार है, हैं? मौका मिलते ही इसके बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, वाह क्या प्यार है, हैं? सर सर, इसने मुझे फंसा लिया था सर, इसके प्यार में पड़ के मेरा दिमाग खराब हो गया था। क्या सही है क्या गलत, सब भूल गई थी सर मैं। सर, ये फिर झूठ बोल रही है सर। सर उल्टा हुआ है सर, सर इसने मुझे फंसाया सर। सर मैं तो एक सीधा साधा शरीफ आदमी था सर। सर इसने मुझे भी फंसाया सर, इसने मुझसे कहा कि तुझे मैं पैसे दूंगा, तू बस एक्टिंग करती जा। एक बेचारे मासूम को फंसाकर उसका खून कर दिया, इतनी सस्ती होती है किसी की जान, उससे गुंडे की एक्टिंग करवाकर उसे मरवा दिया, बस खेल खत्म, और अब कह रहे हो कि इसने मुझे फंसाया, उसने मुझे फंसाया। तुम तीनों को तो फांसी होगी, फांसी। Thank you.